अपनी रोटियों को अपने आंसुओं में डुबा कर खाता था। आज उसके हर परफॉर्मेंस पर देश की आंखें नम हो जाती हैं। जिसकी कहानी है फ्रॉम ठोकर टू ठाट सवाई बात। और इनके साथ आ रहे हैं पहाड़ों की गूंज अपनी आवाज में समेटे पवनदीप राजन। ड्यूट पहली बार गा रहा हूँ बट मेरे रूममेट ये बहुत पहले से हैं, जब से आइडल में हम दोनों आए हैं तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ है, अच्छी दोस्ती हो गई है। ओन भाई ने मुझे नई नई चीजें सिखाई, मेरे हाथ पे टैटू वगैरह भी बनाया, गिटार भी सिखाया, जेल वेल लगा उसको, पवन भाई क्या बोलते हैं वो, और फिर मैंने कांच में जो देखा था तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मतलब एक हीरो जैसे। राजस्थानी पगड़ी ऐसे बांधते है, ऐसे धोती पहनते, ऐसे कुर्ता पहनते। इन पे बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि मेरे पे जितना अच्छा नहीं लग रहा था इनके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये गोरे हैं ना, इसलिए चोको एकदम गांव को छोरो। और मैंने इनको पहाड़ी टोपी पहनाई अपनी, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि हम एक दूसरे का प्यार बांट रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति बांट रहे हैं। फुल पहाड़ी लग रहे। थैंक यू। फिर पहलाक बोलो। पहलाक कौन भाई? पहलाक कौन भाई? हम मांगड़ी कमाते। क्या बात है सवाई, बड़े अच्छे लग रहे। नमस्ते सर, पहला कैसा लग रहा है सवाई? हमारे गांव में कुर्ता पजामा पहनते ज्यादा और धोती पहनते। हाँ जी। तो यहाँ पे पवन भाई ने एक फटी हुई जींस दे दी थी मुझे, उसमें मेरे घुटने बाहर आ रहे थे, देखा हमने। फिर मैंने पवन भाई को बोला था कि मुझे सुई या डोरा दे दो, उसको सी लूं मैं। पवन कितने अच्छे लग रहे हो यार। मैं अभी पूरा राजस्थान का हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है। क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो पहाड़ से हूँ तो ये पहाड़ों पे तो दिक्कत है इसमें चलने में, थोड़ा उठ भी नहीं रहा है। वहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो हवा भी जाएगी इसमें। बिल्कुल। जगह जगह पहाड़ों में तो फेल है पर यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है सर, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो गाने में भी ऐसी अदला बदली हुई है? हाँ सर, कोशिश की है कुछ बढ़िया करने की। आय हाय क्या बात है, तो जोरदार तालियां हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड। क्या बात है, yeah।
वाओ वाओ इनक्रेडिबल सवाई, इनक्रेडिबल पवनदीप। इधर आओ। ओह मैन, मतलब वो हर सीजन में एक ऐसा मोमेंट आता है ना जो उस सीजन को डिफाइन करता है कि मतलब जिसको अगले 10 सीजन्स तक लोग याद रखेंगे कि वो परफॉर्मेंस था। दोनों जब गा रहे थे एक दूसरे के कल्चर में, आप राजस्थानी मतलब अंग दिखा रहे थे, आप अपनी मास्टरी दिखा रहे थे, मुझे आप दोनों के पीछे इंडिया का झंडा यूं लहरा रहा था। फॉर मी मतलब दिल भर गया मेरा यार। टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड।